अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फिबा क्रिकेट टूर्नामेंट हर साल कैडेट कॉलेज रजमक में मनक़द किया जाता है, जिसमें कैडेट्स बड़ी दिलचस्पी से हिस्सा लेते हैं। इस कॉलेज में ये एक ही टूर्नामेंट है जो कि हर एंगल से यूनिक होता है। अगर आप रजमक में ज़ेर तालीम रजमियन हैं तो आप इस बात का बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं। हम साल भी ये टूर्नामेंट 1 नवंबर को शेड्यूल तय पाया। वैसे तो ये टूर्नामेंट सितंबर के अवाल में शुरू होता है, लेकिन कोविड-19 और फिर कोरोना टूर्नामेंट की वजह से काफ़ी ताखीर का शिकार हुआ। सबसे पहले तो मैं तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आसिफ खान बिजोटी का कि जिन्होंने पर्दे के पीछे से हमारे साथ हर तरह की तावन की। ऑर्गेनाइजर्स की मुख्तसरन तारुफ में हम आपको बताते चले कि वाइस चेयरमैन की खदमात इब्राहिम अफरीदी ने सरंजाम दिए। मेम्बर्स में हमारे साथ फवाद खान अफरीदी, आकिबुल्ला अफरीदी और फवाद कमाल दबाजोड़ गुलनों शामिल है। हमारे साथ कुछ नाम नहाद मेम्बर्स भी हैं, जो कि मैं पहले ही एक शेर अर्ज कर चुका हूँ कि लखकरोता जंडोता और जरगोता हजत निश्ता पशमार सभी पकार दी खुदकार सभी पकार दी। हमारे साथ कुल 20 टीमों ने हिस्सा लिया। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इमरान खान बैटिंग कर रहे हैं और इमरान खान बड़ी अच्छी तरह से खेले, लेकिन मोहम्मद नासिर की तबाहकुन बॉलिंग ने उसे बहुत जल्द ही पवेलियन की राह दिखाई। हम माजरत खां हैं उन खिलाड़ियों से कि जो इस वीडियो का हिस्सा नहीं रहे, क्योंकि 20 टीमों के 120 खिलाड़ियों को स्क्रीन पर लाएंगे तो पूरी एक फिल्म बन जाएगी। और टूर्नामेंट का मज़ा कुछ ही जगहों पर दोबाला हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब कुरम सलमी के कप्तान शाहिदुल्ला ने एक खूबसूरत चक्का लगाया तो इस पर मुखालिफ टीम के कप्तान इब्राहिम अफरीदी को शदीद गुस्सा आया और बदले में कुरम जलमी के बेहतरीन खिलाड़ी इस्माइल अफरीदी को आउट करा दिया। टूर्नामेंट का दूसरा सनसनीखेज मुकाबला सुपर जेंट्स वर्सेस फीबा प्लेयर्स का रहा। मज़े की बात यह है कि सुपर जेंट्स के दोनों ही मैच फीबा प्लेयर्स के साथ रहे।
हैरानगी की बात यह है कि जब मैच फीबा प्लेयर्स ने जीता तो ग्राउंड में बड़ी ही खामोशी छा गई थी, आप देख सकते हैं। इसके बाद बड़ा सनसनीखेज मुकाबला जूनियर स्टार्स और मुर्शद गैंग के दरमियान हुआ। दो बॉल कप्तान और नायब कप्तान खिलाड़ी को बड़ी तसल्लियां दे रहे हैं। जासिम खान उलार दे देर पे जरा स्माइल जासिमा स्माइल ओ इंटरव्यू की जैसे कर जासिमा इंटरव्यू हो जासिमा अरे मुबारक से सीन दूसरी रात उलार आ रहा था बस यहाँ हम आपको बताते चले कि टूर्नामेंट का सबसे लो लेवल का मैच फाइनल का मैच ही था। इस मैच के बारे में हम मज़ीद वीडियो क्लिप्स और मज़ीद तफसील आपको नहीं बता सकते। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जैसा हम पहले ही नोटिस बोर्ड में हमने लगाया था कि हम प्रिंसिपल साहब को इनवाइट करेंगे, तो उसके लिए हमने प्रिंसिपल साहब को इन्वाइट किया, उसको मदऊ किया था, लेकिन कोविड 19 की वजह से वो ना आ सकी। बात दरअसल कुछ यूँ है कि जो इनविटेशन हमने प्रिंसिपल साहब को भेजी थी वो प्रिंसिपल साहब को बिल्कुल पहुंची ही नहीं थी, उससे पहले ही हमें इनकार किया गया। तो इस वजह से हमें उनसे गिला है, उनसे शिकवा है कि एक तो हम इतने अच्छे तरीके से लड़कों को इंटरटेन कर रहे हैं, लड़कों के कैडेट्स की सलाहियत को उजागर कर रहे हैं, और फिर हम आपके घर के सामने प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें आप हमें सिर्फ 5 मिनट तक ना दे सके। तो फिर इसी को देखकर और इसी से सीखकर हम भी ऐसा ही करेंगे। चीफ गेस्ट के लिए हमने बड़ा ही खूबसूरत शील्ड तैयार कर रखा था जो कि किसी को बताए बगैर शर्म के मारे मैं खुद वापस अपने घर ले आया हूँ। मैं खैर चीफ गेस्ट तो मैं खुद ही अच्छा। 1 November 2020 now, and why is the FIFA chairman Arshad Iqbal to give the prize?
land. Now, and why the runner-up team captain Yasser Hamid to receive the cash prize? To receive the prize from FIBA chairman Ashad. Adalim is invited to receive the shell from FIBA chairman. Tournament FIBA edition 3rd, Ikramullah is invited to receive the chair. For best performance in all of the tournament, RF is invited to receive the shield from FIBA chairman. For the best performance in FIBA edition 3rd, Kefola is invited to receive a prize from FIBA chairman. The winner of team captain FIBA edition 3rd 2020, RF is invited to receive the $25,000 from FIBA chairman. And of course, the efforts of my brother, my friend, vice chairman will never be neglected. क्योंकि वो न सिर्फ टूर्नामेंट में अच्छी तरह खेले बल्कि टूर्नामेंट को चलाने में भी हमारे साथ खूब खिदमत सर अंजाम दिए. So, man of the honor award goes to Ibrahim is invited to अच्छा आपका ये सिलसिला किस तरह रहा फाइनल तक पहुंचने में? बहुत अच्छा रहा. हमने शुरू से यही कोशिश की थी. दो मैच अलहमदिल्ला थ्रू आउट टूर्नामेंट हम मैच कोई मैच ही नहीं आ रहा. हम जीत के ही आए हैं और फाइनल भी जीत के हम जीत के ही आए हैं और फाइनल भी जीत के क्योंकि इस वक्त कॉलेज में हमारे आखिरी दिन थे और कोरोना की वजह से भी डिसिप्लिन सही नहीं रहा, तो इस वजह से अतन में लड़कों का ड्रेसिंग बिल्कुल भी ज़ीरो नज़र आ रहा है. अदरवाइज़ इसी ग्राउंड में हम कुछ इस तरह से होते हैं.
Thanks for watching. For any queries, complaints and suggestion, please contact us. Goodbye.